हाय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू नायका सेल हॉल। नायका पिंक क्लब सेल 9 फेब को शुरू हो रही है और नायका ने मुझे सेंड करा है ये पिंक क्लब सेल बॉक्स। इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कौन से प्रोडक्ट हैं इसके अंदर और उन पे कौन सी डील्स एंड डिस्काउंट है। नायका पिंक क्लब सेल शुरू हो रही है 9 फरवरी को, जिसमें अप टू 50% का डिस्काउंट है और बहुत सारे ब्रांड्स पे बाय वन गेट वन का ऑफर भी है। इसके अलावा कुछ मेकअप स्किन केयर के रिकमेंडेशंस भी होंगे वीडियो में आगे और साथ ही होगा एक गिव अवे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इस पिंक क्लब बॉक्स को सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्स और इसके अंदर है काफी सारा सामान। कुछ कुछ चीजें मैंने यूज भी कर ली है तो उसका एक मिनी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है डव जेंटल एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। ये 800 ml वाली पैकेजिंग है। इसका प्राइस है ₹510 और सेल के दौरान ये आपको 388 का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नायका पे प्लेटिनम या गोल्ड प्रीफ मेंबर हो तो डव प्रोडक्ट्स के ऊपर 500 के ऊपर की खरीदारी करने पर आपके लिए एक स्पेशल फ्री प्रोडक्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। इसमें टाइनी टाइनी से ब्लू बीड पार्टिकल्स हैं जो स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये स्किन के ऊपर काफी नरिशिंग भी है तो ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे है अर्थ रिदम बटर क्रीम सोप। नाउ ये एक बहुत ही नया प्रोडक्ट है और मैंने ऐसा प्रोडक्ट पहले कभी भी ट्राई नहीं करा। ये फिल्टर काफी कॉफी सीड ऑयल फ्लेवर में है एंड दिस इज हाउ द इंटरनल पैकेजिंग लुक लाइक, जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये ना और भी डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। पी बटर वेरिएंट भी अवेलेबल है, ब्लूबेरी स्मूदी वेरिएंट भी अवेलेबल है। वैसे मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है तो इसको जब आप ओपन करते हो ना तो अंदर की तरफ आपको यू नो देयर इज अ स्पैचुला और ये प्रोडक्ट जो है ये क्रीम फॉर्म में है। और इसको यूज़ कैसे करना है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब आप यू नो नहाने के लिए बॉडी को गीला करोगे तो थोड़ा सा स्कूप आउट करके बस आपको जेंटली मसाज करना है। और जिस तरह के इस पे इंग्रेडिएंट लिखे हैं मुझे लगता है ये काफ़ी हाइड्रेटिंग होगा। और अर्थ रिदम प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय वन गेट वन का ऑफर है। MRP पे एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो एक कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्लम बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट इन द वेरियंट वेनीला वाइब्स। इसमें और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंस वेरियंट्स आते हैं, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। हवाइन रूम्बा इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट रेट, गर्मियों के लिए वो बहुत अच्छा है। नाउ प्लम प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% का डिस्काउंट है। अगर आप कुछ भी 399 का शॉप करते हो तो 299 का बाथ एंड बॉडी ट्रायो फ्री है और अगर आप 599 के ऊपर की कुछ भी शॉपिंग करते हो तो लिपस्टिक फ्री है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है हर्बल एसेंस शैम्पू। ये एर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू है तो मैंने इसको भी यूज नहीं करा है बट इस प्रोडक्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट है ड्यूरिंग पिंक क्लब सेल। तो अगर आपके बाल काफी फ्रिजी होते हैं सो फॉर दैट पर्पज यू कैन चेक दिस शैम्पू। आई हैव अनदर शैम्पू फ्रॉम पिलग्रिम और ये भी मैंने यूज नहीं करा है। पिलग्रिम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 5% का डिस्काउंट है, उसके साथ कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अब अगर आपके कोई ऑलरेडी फेवरेट प्रोडक्ट है जो आप रेगुलर यूज करते हो, जो आप यूज करना प्रेफर करते हो, यू कैन बाय दोज प्रोडक्ट ऑल्सो क्योंकि उनके ऊपर भी काफी सारी डील्स होंगी। मैं तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ लेकिन स्टे ट्यून्ड फॉर माई रिकमेंडेशंस एज वेल इन द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव हियर इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट और पैकेजिंग ओपन है, दैट मीन आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग दिस वन। नाउ दिस इज देयर मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स हेयर सीरम। इंस्ट्रक्शन जो दी गई है पैकेजिंग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू देम आपको इसको बालों में लगाना है और 1 घंटे बाद आप बालों को दोबारा शैम्पू कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको बालों में लगाया एंड आई ओनली वॉश्ड माई हेयर ऑन माई रेगुलर हेयर वॉशिंग रूटीन और उसके बाद मुझे अपने बाल काफी ज्यादा मैनेजेबल प्लस फ्रिज फ्री फील हुए हैं एंड माई हेयर आर फीलिंग लिटरली वेरी सॉफ्ट। इसका डिटेल रिव्यू मैं आगे इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगी। करंटली अगर आपको मिनिमलिस्ट से कुछ भी खरीदना है तो नायका के ऊपर अभी बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप कोई 2 सीरम बाय करते हो यू गेट अ फुल साइज सनस्क्रीन फ्री और इफ यू बाय एनी अदर 2 प्रोडक्ट यू गेट अनदर मिनी फ्री। तो मिनिमलिस्ट में आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम चेक कर सकते हो, नियासिनामाइड सीरम चेक कर सकते हो, अगर पिगमेंटेशन है देन अल्फा आर्बुटिन सीरम इज माई फेवरेट, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर जो मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ लेकिन जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी, वो है डॉक्टर शेट्स का सिरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। तो ये ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ और मेरी प्रीवियस पैकेजिंग जो है वो खत्म होने वाली है। सो दिस इज द वन विच आई एम ऑलरेडी यूजिंग और ये खत्म होने ही वाला था और मुझे एक और रिसीव हो गया एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि ये ड्राई स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। टोटली लव्ड दिस सनस्क्रीन, कोई इसका वाइट कास्ट नहीं है। डॉक्टर शेट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 20-25% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा देर आर फ्री गिफ्ट्स एज वेल। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव रिसीव्ड इन दिस गिफ्ट इज टोटली न्यू टू मी। सो मुझे रिसीव हुआ है इनिस फ्री टोन अप नो सीबम सनस्क्रीन SPF 50
PA4+ इस फ्री में बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज है। मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन अगर आपने इस ब्रांड को ट्राई करा है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम गुड डील्स एंड डिस्काउंट, सो नायका पिंक लव सेल में काफी अच्छे फ्रीबीज मिलने वाले हैं ऑन शॉपिंग फॉर ₹799 एंड ₹1499। सो आई हैव रिसीव्ड दिस सुपर लाइट मॉइस्चराइजर फ्रॉम पॉन्ड्स। तो गर्मियों के लिए ये काफी लोगों का एक फेवरेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है एंड दिस इज अ रियली बिग पैकेजिंग। मेरे पास ऑलरेडी स्मॉल पैकेजिंग है जो मैं यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं करा। बट पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स अगर आप नायका पिंक लव सेल में खरीदते हो तो उनमें 15% का डिस्काउंट है, प्लस 649 से ऊपर अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो देर इज एडिशनल 10% डिस्काउंट। पॉन्ड्स में फेस वॉशेस भी काफी अच्छे आते हैं और पॉन्ड्स का जो बीबी क्रीम है वो भी मेरा काफी फेवरेट है, सो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश। नाउ इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, देर माइट बी सम मोर डिस्काउंट्स एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेकअप में। तो मेकअप में ना सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास आया है यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 लूमी क्रीम। तो लैक्मे की लूमी क्रीम मेरे पास पहले से है, वो मैंने ट्राई की हुई है, लेकिन अब मुझे इसको उसके साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा क्या दोनों सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट है, बिकॉज लैक्मे ने इसका पैकेजिंग तो चेंज करा ही है। उसके अलावा लैक्मे के जो प्रोडक्ट है ना इस पे 45% तक का ऑफ है, एडिशनल 10% डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड देयर इज अ फ्री लिप लाइनर पेन एज वेल ऑन अ सर्टन शॉपिंग अमाउंट। आते मैंने नोटिस करा लैक्मे ने बहुत सारे नए लॉन्चेस करे हैं, लैक्मे ग्लाइकोलिक ब्राइट करके एक पूरा स्किन केयर रेंज लॉन्च करा है, साथ ही नए ब्लश लॉन्च करे हैं जिसमें पाउडर एंड क्रीम ब्लश के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नई लिपस्टिक्स लॉन्च करी हैं, स्किन टिंट भी लॉन्च करे हैं। तो लैक्मे का कौन सा मेकअप का सामान मैं खरीदूं और ट्राई करूं कमेंट करके बता देना जल्दी से, सो दैट मैं भी इस सेल के दौरान अपनी शॉपिंग कर सकूं एंड आई कैन सेव सम मनी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी अल्टिमा आई शेडो पैलेट। नाउ ये एक बहुत अच्छा बिगनर फ्रेंडली आई शेडो पैलेट है और इसमें आपको डिफरेंट कलर शेड रेंज के ऑप्शंस भी मिलते हैं। 30% का डिस्काउंट है स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसका लिंक आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही देयर आर सो मेनी फ्रीबीज आल्सो, अगर आप 599 की शॉपिंग करते हो या 429 की शॉपिंग करते हो, सो देयर आर लॉट ऑफ फ्री गिफ्ट्स टू ग्रैब एज वेल। अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट दिख रहा है ना नायका के ऊपर जिसका आप रिव्यू चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे फटाफट कॉमेंट करके बता देना। जैसे मैंने नोटिस करा एलिटिन का पूरा रेंज आया है एंड देयर इज अ न्यू ब्रांड कॉल्ड स्टेज एज वेल। ब्लू हेवन ने भी ब्राउन कैटेगरी में अलग से लिपस्टिक्स लॉन्च करे हैं, लिक्विड एंड क्रीमी एज वेल। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मैं खरीदूं या मैं ट्राई करूं आप लोगों के लिए, यू हैव टू कमेंट दैट। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक का रेज फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन और ये है शेड नंबर 40 ब्रेव। नाउ ये फाउंडेशन मैंने ट्राई किया हुआ है, इट्स अ रियली गुड फुल कवरेज फाउंडेशन, बट ये फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो आज के वीडियो में मैं जो गिव अवे कर रही हूँ ना, ये वाला फाउंडेशन मैं गिव अवे करने वाली हूँ, बट स्टे ट्यून, देयर इज सम मोर प्रोडक्ट जो मैं गिव अवे करूंगी और गिव अवे के क्या रूल्स हैं जानने के लिए स्टे ट्यून, वो मैं आगे बताऊंगी। एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड निक्स एंड दिस इज देयर ड्यूई सेटिंग स्प्रे। अब मुझे ड्यूई सेटिंग स्प्रे काफी पसंद है बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन एंड निक्स का ड्यूई सेटिंग स्प्रे बहुत बहुत अच्छा है। आई हैव हर्ड lot of things about this brand and this setting spray. Well, NYX ki agar products aap buy karte ho something around 1000 rupees, 1100 ya 1300, to full size free products aapko milne wale hain from Nykaa. And then I have also received this concealer. This is Maybelline Instant Age Rewind Concealer and this is shade number 130. Ye concealer maine use kiya hua hai, iske saath maine ek full video bhi banaya hai concealer kaise apply kare, jisme aap Maybelline ke is concealer ke sare shades ke swatch dekh sakte ho. और ये वाला शेड मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये वाला कंसीलर भी मैं एक लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे करूंगी। सो ये दूसरा प्रोडक्ट है जो आज की वीडियो में मैं गिव अवे करने वाली हूँ। इसके अलावा ये तीन बिल्कुल ही नई लिपस्टिक्स मुझे रिसीव हुई हैं जो पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करी। वन इज फ्रॉम द ब्रांड फे ब्यूटी, वन इज फ्रॉम इट्यूड हाउस एंड वन इज फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप। इन तीनों को मैं ट्राई करके अलग से इनका रिव्यू प्लस स्वॉच आपके साथ शेयर करूंगी शॉर्ट्स में। बट उससे पहले अगर आपको कोई नई लिपस्टिक खरीदनी है तो कौन सी लिपस्टिक आप खरीद सकते हो, स्टे ट्यून। अभी मैं अपने मेकअप स्किन केयर और बॉडी केयर रिकमेंडेशंस आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं मेरा नायका पिंक लव सेल बॉक्स हो गया एकदम खाली। ये सारे प्रोडक्ट मुझे नायका ने भेजे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड इन ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। और हाँ, यहाँ पे ये दिल वाले स्टिकर भी मिले हैं एंड या देयर इज दिस वन बैच एज वेल। Yeah, this box is empty. Now let's move on to recommendations. Maybelline Superstay Vinyl Ink Lipstick के ऊपर काफी अच्छा discount रहेगा, ये जरूर खरीद लेना। और shade है
10 Lippi का मैंने स्वॉच भी शेयर किया है और Maybelline Superstay Vinyl Ink लिपस्टिक को यूज करने के 3 अलग तरीके भी मैंने शॉर्ट्स में शेयर किए थे, आप चेक कर लेना। लेकिन ये जो शेड है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है और आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी शेड फॉर मीडियम इंडियन स्किन टोन। एब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी चेक कर सकते हो, ये है शेड न्यूड अम्ब्रेला। इसके अलावा ममार्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक में कार्नेशन न्यूड शेड इज ऑल्सो अ रियली गुड शेड, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। लेट मी शो यू द स्वॉच, ये एक पिंक ब्राउन शेड है, हियर यू कैन सी। और जो लैक्मे का लिपस्टिक है उसका भी आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा लाइट है। लेट मी शो यू द स्वॉच ऑफ Maybelline एज वेल। सो काफ़ी आपको सेम दिख रहे होंगे। Maybelline का शेड जो है ना, कभी कभी पीची रिफ्लेक्ट देता है, लेकिन इसको अच्छे से शेक करके लेयर करके अप्लाई करते हैं, इट गिव्स अ वेरी नाइस पिंक लिप्स लुक। मैंने लास्ट नायका सेल के दौरान काफ़ी सारे प्रोडक्ट खरीदे थे जो बॉडी केयर से रिलेटेड थे, उनको मैंने यूज़ कर लिया है। सो हेयर आर सम ऑफ माई रिकमेंडेशन। सबसे पहले है Mario Badescu का ये बॉडी वॉश, इस पर 50% डिस्काउंट होगा और 50% डिस्काउंट के बाद ये आई थिंक 450, 500 या 550 के आसपास का पड़ना चाहिए। एंड दिस इज़ अ रियली गुड बॉडी वॉश टू हैव, लग्जूरियस बॉडी वॉश का फील आपको बजट प्राइस में आ जाएगा इफ़ यू चेक आउट दिस वन इन दिस सेल। ये AHA वाला बॉडी वॉश है, बट अगर आपको AHA नहीं चाहिए, देर इज़ अनदर वेरियंट अवेलेबल एज वेल, तो मैं दोनों का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इसको आधा ही यूज करा बिकॉज देन आई स्विच्ड टू दिस वन। दिस वन इज केमिस्ट एट प्ले डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, जिसमें 4% लैक्टिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड के साथ विटामिन ई भी है। नाउ इसका जो फ्रेग्रेंस है, ये हल्का सा कोकोनटी क्रीमी है, ब्राउनिश शेड का बीड्स वाला बॉडी वॉश है। ये पूरा खत्म हो चला है और मैं इसको दोबारा रीपर्चेज करूंगी। इसको एक महीने से ज्यादा हो गया मुझे यूज करते हुए, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरा ये जो ऊपर का स्किन है ना, दिस स्किन इज बिकमिंग मोर स्मूथ। यहाँ पे अभी भी डेड स्किन है, बट ये ऊपर का जो स्किन है दोनों तरफ काफी हद तक स्मूथ हो चुका है, एंड आई कैन नाउ सी माई स्किन इज लुकिंग मोर स्मूथ, सो आई विल बी रीपर्चेसिंग दिस वन। इसके अलावा आई थिंक डॉक्टर शेट्स का जो कोजिक एसिड वाला मैंने मॉइस्चराइजर यूज करा ना, बॉडी लोशन, उसने भी काफी हेल्प करी है। अगर आपको खुशबू वाले बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइजर पसंद है, मोए बाय नायका के ये मॉइस्चराइजर इतने अच्छे हैं। ये वाला ना मुझे बर्थडे मंथ में एक्चुअली रिसीव हुआ था, सो आई एम अ प्रीव मेंबर, तो बर्थडे मंथ में अगर आप कुछ भी खरीदारी करते हो तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो मैंने नायका के तब न्यू लॉन्च नेल पॉलिशेस का पूरा रेंज मंगवाया था और उसके साथ मुझे फ्री प्रोडक्ट में ये वाला मॉइस्चराइजर मिला। मैंने इसको ट्राई करा ना, ओ माय गॉड, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, इट्स परफेक्ट फॉर नाइट टाइम। रात को सोते समय खुद से अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है, सो आई लव टू यूज इट एट नाइट टाइम। प्लस ये मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छा करता है, काफी थिक मॉइस्चराइजिंग है इसकी। इसमें 6 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन मुझे ये XOXO वाला सबसे ज्यादा पसंद आया है। नाउ बालों के लिए एक प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करूंगी, आप शैम्पू कोई सा भी यूज कर लो, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई फ्रिजी होते हैं और एक अच्छा कंडीशनर आपको चाहिए, देन L'Oreal का हाइलुरोनिक एसिड कंडीशनर इज अ बॉम्ब प्रोडक्ट। आप इसकी हालत देख रहे हो, ये बेचारा ना खत्म हो चुका है मेरा, बस अभी इसको निचोड़ के मैंने पूरा निकाल लिया, बस अभी बॉटल काटने की देर बची है बस, क्योंकि मैं इसका इतना सभी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। दिस वन इज सो गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, L'Oreal एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल सीरम मुझे लास्ट सेल बॉक्स में रिसीव हुआ था, एंड आई हैव ट्राइड दिस आल्सो। ये डेली यूज के लिए अच्छा है, बालों को चिपचिपा नहीं करता, और अगर आपको तेल लगाना पसंद नहीं लेकिन आप चाहते हो कि बालों की लेंथ को नरिशमेंट भी मिलता रहे, बाल मैनेजेबल भी रहे, तो वहां रोजाना के लिए आप ये सीरम देख सकते हो। बस इसकी बॉटल कांच की है, उसको माइंड में रखना। शैम्पूस की कैटेगरी में विश केयर ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू भी मैंने ट्राई कर लिया है, ये मुझे लास्ट टाइम बॉक्स में रिसीव हुआ था, एंड दिस वन इज गुड। बजट प्राइस में अगर आपको बॉन्ड रिपेयर कैटेगरी में कुछ चाहिए, दिस वन इज रियली गुड। इसके अलावा मेरे पास लग्जरी रेंज में रेडकिन का बॉन्ड रिपेयर का पूरा रेंज आया था नायका की तरफ से, मैंने उसको भी पूरा ट्राई करा हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव है, लग्जरी रेंज में आ जाता है। करंटली उसके ऊपर ऑप्शन तो अवेलेबल है, लाइक अगर आप रेडकिन के प्रोडक्ट बाय करते हो ना, यू गेट फ्री मिनिस, बट अगर आपको उतना पैसा खर्चा नहीं करना, 2,000-2,500 तक का खर्चा नहीं करना है पूरी रेंज के लिए, तो आप बजट में विश केयर का ये रेंज चेक कर लो। दिस शैम्पू इज गुड, बाल अच्छे से खिले खिले रहते हैं, प्लस इट हैज अमीनो पेप्टाइड फॉर टू रिपेयर योर हेयर। तो अगर आपके बाल ना बीच बीच में से टूटते रहते हैं, बढ़ते नहीं है, लंबाई नहीं बढ़ती, तो वहां पे आपको ये वाला शैम्पू ट्राई करना चाहिए। अनदर प्रोडक्ट जो नायका सेल से मैंने लास्ट टाइम खरीदा था, वो है टू फेस बॉन दिस वीक कंसीलर। इस बार भी टू फेस प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 20% तक का डिस्काउंट है, एंड इन बिटवीन शायद बाय टू गेट वन का डिस्काउंट भी आ सकता है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट डिस्काउंट। मुझे इसका फाउंडेशन बहुत पसंद है, एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है, एंड द कंसीलर इज ऑल्सो टू गुड। मैंने इसका स्वॉच शेयर करा था, दिखाया था कैसे पिगमेंटेशन एक तरह
पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे हुडा ब्यूटी के ऊपर फ्लैट 50% का ऑफ है। आई हैव हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट एंड लिपस्टिक। आई शेडो पैलेट पर अच्छी डील लगे तो वो ले सकते हो आप, बिकॉज इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज है, प्लस उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। मैक कॉस्मेटिक के ऊपर भी बाय टू गेट वन का ऑफर हो सकता है, सो स्टे ट्यून्ड। एंड स्मैश बॉक्स के ऊपर फ्लैट 20% तक का डिस्काउंट है। मिलानी के ऊपर अप टू 30% तक का डिस्काउंट है। मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन मैंने बहुत बार रेकमेंड कर रहा है, तो अगर आपको अभी खरीदना है फॉर योर ब्राइडल किट, यू कैन चेक आउट अभी सेल में, उस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड नॉर्मली प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय वन गेट वन का ऑफर है। रिने कॉस्मेटिक के ऊपर भी बाय वन गेट वन का ऑफर है, एंड रिने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर मैंने कितनी बार रेकमेंड करा है, सो आप वही दो लेके रख लेना एंड आपका पूरा सीजन जो है वो आराम से निकल जाएगा। लॉरियल पेरिस प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 40% तक का डिस्काउंट है। मेबेलिन न्यूयॉर्क प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, और कुछ फ्री गिफ्ट्स के ऑप्शन भी है। लैक्मे के ऊपर भी 40% या 45% प्लस का डिस्काउंट है। सो देयर आर सो मेनी डील्स एंड डिस्काउंट, और ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो मुझे नायका से आए और जो मैंने खुद खरीदे थे, ट्राई किए हुए हैं, तो मैंने आपके साथ मेरा रिकमेंडेशन भी शेयर करा है। और अब बारी है गिव अवे की। सो आज की वीडियो में से मैं दो लकी विनर सिलेक्ट करूंगी। दो प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन दोनों विनर्स को मैं दो दो प्रोडक्ट भेजने वाली हूँ। बाकी के जो दो प्रोडक्ट है ना, वो सरप्राइज है, मैं अपनी तरफ से कोई दो प्रोडक्ट ऐड करूंगी। आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। अगर ये वीडियो 500 लाइक तक पहुंच जाती है तो मैं दो लकी विनर्स को प्रोडक्ट्स भेजने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम के ऊपर अपने मेरे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे किए गए कमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे डीएम करके जरूर सेंड करें, ताकि मुझे पता रहे कि आपकी यूट्यूब आईडी भी कौन सी है। सो ये गिव अवे के सिंपल से रूल है। अब 500 लाइक तक वीडियो को कैसे लेके जाना है वो तो आप जानते ही हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी वीडियो को लाइक करें, सिंपल। सो ये था आज का वीडियो, नायका पिंक लव सेल हॉल एंड रिकमेंडेशन। साल 2024 का सबसे पहला हॉल आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।